असल नाजरन प्रोग्राम आखिर छाक जैसे मां समर निज़ाम अवान सा हाजिर आया नाजरन जो तुम्हें खबर आए तो गुजरल हफ्ते मियाँ साकिब निसार साहब रिटायर थी वाया उन्होंने खबर आए तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज उन नाराज़ हुई छो जो उन्हों कुछ फैसला एडा दिलेराना हुआ जैखा तकरीबन पार्टीज के काफ़ी सारा इशूज़ हुआ खदशात हुआ पर बे तरफ तक बुधाऊँ त काफ़ी पार्टी अड़ी भी हुई जी चाहन थी सोचे रही ऐसी रही तो शायद मुल्क में हाँ असा जी कानूनीत वह बेहतर थी वे तक यह भी खबर आए तो साहिवाल वो किस्सो थी चुको है काफ़ी सोशल मीडिया से एक्टिव थो उन गवर्नमेंट के भी होश अची वो गवर्नमेंट भी फाइनली ऐसे हाँ तो वे इन स्टेप वरत वो पर स्टेप वन का अग में तक यो बुधा तो रात वो बो किस्सो कराची में थी वो समझ का बाहर आ तो यह रो है पुलिस वन के या असके भी लॉ एनफोर्समेंट जहाँ इदारा उन्होंने अगर पॉवर डिनी थी वे तो वे असांजे आम अवाम आम मासूम अवाम के लिए टारगेट त बढ़ाइन आम अवाम अगे ही ड्रिगल होंगी है जो जी आई टी जैसा गाल क्यों तो साहिवाल जी आई टी अज जैसे पूछताछ ला मतलब मालूम इन्फॉर्मेशन के लिए उन एरिया में वही तो उतना मूँ पे तो राजी थी वह ठीक है असा चश्मदीद गवाह आयो अस खबर आई विटनेस आयो पर जो उन्होंने वो तो हलो असा सा गजी ना यो बयान जो है पुलिस स्टेशन में जो तो वो मूँ डिगी वह उन्होंने पुलिस स्टेशन न हल्दे काफ़ी मूँ तो ये चवन पे टीवी से इंटरव्यूज हलन पे क्लिप्स पे हलन मूँ चवन बाबा अस वो तो मत अस भी न मारे छन मतलब हाँ पाकिस्तानी अवाम में खौफ पैदा थी वो लॉ एनफोर्समेंट लाइ असो पाकिस्तान काडे तो वे नए पाकिस्तान जो विजन वो किथे है जो अस बुधा वो जैसे लिए पीटीआई के सभी मूँ सपोर्ट कर सिंध गवर्नमेंट की गाल क्यों तो सिंध गवर्नमेंट हाँ भी उन्होंने जो टेन्यूअर भी असान सिंध जहा हालात भी उड़ा लगा पाया रात रात रिसेंटली यो किस्सो थो है कोई भी स्टेप न वरत वो है मुर्तजा वाब साहब थोड़ी देर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन में चवन था तो काफ़ी मूँ वो तो पुलिस के में इंटरफेयर न होजन खपे पर पुलिस के लिए लॉ एनफोर्समेंट के लिए चेक एंड बैलेंस होजन खपे चेक एंड बैलेंस होजन खपे अगर चेक एंड बैलेंस ये सियासतदान ही कह तो अड़ा ही किस्सा थन्दा ना अड़ा ही मसला थन्दा ना केतरा किस्सा थी चुका है केतरन से डिस्कस किया है खैर इन हवाले से असा पाँच प्रोग्राम में स्पेशली दावत दिनी है फौजिया तारिक साहिबा जी ट्रेनिंग कंसल्टेंट सिंध पुलिस ऑन ह्यूमन राइट्स समटाइम्स अक्सर असो शो में जैसे रिक्वेस्ट कह अची व्यवहार थैंक यू सो मच मैम आपने हमें टाइम दिया तक बुधाऊँ तो इरफान जिलानी साहब पीटीआई जहा कारकुन ऐसा सगन मौजूद हैं रियाज खान साहब जी पीएमएल नून जहा कारकुन असलकुम बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच मैडम सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी जी मां पे गाल के शुरू में तो लॉ एनफोर्समेंट जहा इदारा आई होप आप सिंधी समझती होंगी लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं उनको कितनी पावर कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच समर फॉर इनवाइटिंग मी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन जो आप आज़ादी की बात कर रही हैं लॉ एनफोर्समेंट की तो कानून से बालातर तो कोई नहीं है ना बेशक तो जो चीज़ जितनी आपको लॉ परमिट करता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए है लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी है तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9 जो है सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स किसी की जान नहीं ले सकता भले वो कोई पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो जो सजाए मौत का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ जुडिशरी के वो उन जुडिशरी के पास है अगर जज बैठ के सजाए मौत सुनाता है तो दैट्स वैलिड लेकिन कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल जो है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का वो किसी की जान नहीं ले सकता तो इट्स वेरी मच क्लियर इन मतलब इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल 9 में ये सारी चीजें मेंशन है उसके बावजूद उसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एसओपीज हैं उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो ऑफिशियल हैं वो फायर आर्म्स ओपन नहीं कर सकते फोर्स का यूज नहीं कर सकते जब तक उनकी अपनी जान खतरे में ना हो वो उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब जब वो उनको सेल्फ डिफेंस करना और उसमें भी उस वक्त आप करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो लाइक आप टांग पे गोली मार दें पैर पे गोली मार दें गाड़ियों के टायर बस्ट कर दें आपने किसी तरह से अरेस्ट इज़ द प्रायोरिटी इवन इन दैट केस एज वेल। ओके तो कानून तो किसी तरह से भी इस तरह की कामों की इजाज़त नहीं देता और जो कानून के खिलाफ वर्जी करता है ही इज़ अकाउंटेबल चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे किसी कोई भी डिपार्टमेंट का फ़र्द हो कोई भी इदारे का फ़र्द हो तो उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी भी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए
और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए. ओके, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ओके, अच्छा इरफान साहब आपने बातें सुनी, ठीक है. अब हमारा जो पुलिस का कानून है सबको पता है, ठीक है, कल से ये बातें बहुत आ रही है. 1894 का कानून है, 1894 में अंग्रेज यहाँ आए थे, ठीक है, हमें गुलाम बनाने के लिए. उनका कानून अभी तक फॉलो होता हुआ आ रहा है और हमारी इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई गई, किसी ने सोचा नहीं कि इस कानून में कोई चेंजिंग होनी चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने मदू किया. देखिए समर, बात यह है कि कल मैं देख रहा था हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान था जिसमें वो फरमा रहे थे कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए, और फिर आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा जी पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए. मुझे इंतहाई अफसोस होता है बल्कि गुस्सा आता है ऐसी बातों पर. उसकी वजह यह है कि पिछले 40 साल से मुल्क इन दोनों जमातों के हाथों में था. इन्हें शर्म नहीं आती कि आज इनको ख्याल आ रहा है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वो कि हम करेंगे, वजीर आजम का बयान आ चुका है आज सुबह का कि फौरी तौर पे हंगामी बुनियाद पर पुलिस रिफॉर्म्स की जाएंगी. वजीर आजम साहब ने कहा मैं कतर से वापस, सोशल मीडिया ने आप लोगों को मेंशन करवाया. चले देखिए मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, हम ये हमें तो 5 महीने हुए ना अभी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन दोनों जमातों ने मुल्क पर रूल किया 40 सालों से, इन्हीं की हुकूमत है, कभी इनकी कभी इनकी कभी इनकी, बीच में एक डिक्टेटर का दौर आया. इन लोगों को आज तक कभी ख्याल नहीं आया कि पुलिस को, बल्कि पुलिस को इन्होंने जाती मुलाजिम समझ के इस्तेमाल किया दोनों जमातों ने, दोनों जमातों के हुक्मरानों ने. छोड़ दे वो तो चले गए ना, अभी तो आप लोगों की है. देखें ये उन्हीं की वजह से आज देखें अगर मॉडल टाउन सानिहे पे जो किरदार थे उनके खिलाफ वक्त पर एक्शन लिया जाता, आज इस तरह के वाकयात पेश ना आते. पुलिस को अगर ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, पुलिस को पे एकदम से आप लोग स्टेप उठाते तो कल कोरंगी वाला किस्सा नहीं होता सर. देखिए एकदम स्टेप ऐसे भी बोल सकते हैं. देखिए मेरी बात सुने, इस पे जो स्टेप उठाने चाहिए थे पंजाब हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वो कानून के मुताबिक तमाम स्टेप उठाए गए. आप इस पे कहीं ये कोर्ट नहीं कर सकते कि ये नहीं किया. देखें 6 घंटे तक तो आपकी जब मॉडल टाउन, देखें नहीं नहीं इस तरह नहीं होता, तो इंक्वायरी तो जरूरी है ना ऐसे किसी के. देखें जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ, 14 कत्ल किए गए, आपको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है कि 1.5 महीने तक एफआईआर नहीं कटी, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इंटरव्यू पे उस वाक्य की एफआईआर कटी, उसके बाद 2 महीने के बाद उसकी जीआईटी बनाई गई, और आज इस वाक्य को, ये वाक्य परसों पेश आया है. तमाम मुलजमान जो भी हैं, तमाम मुलजमान सीटीडी के जिन्होंने फायरिंग की थी जो शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया. ना सिर्फ गिरफ्तार कर दिया गया बल्कि जीआईटी बना के 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर लिया. इस पे बात आती है, इस पे बात आती है, ठीक है, इस पे मैं बाद में बात करती हूँ. जो जीआईटी की बात करें ना वो भी इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा सर, आपकी हुकूमत तो रही है, ठीक है, हमेशा रही है नून लीग की हुकूमत भी, पर पंजाब के हालात हमेशा ऐसे ही नजर आते हैं ना, तो कोई चेंजिंग तो नून लीग ने भी खास नहीं किया. आप लोग भी सिर्फ अपने केसेस को रो रहे हैं, आवाम के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम आपका और आवाज़ चैनल का. मेरे भाई ने जैसे अभी बात की, देखें हमने जो करना था वो किया जी. और हमने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ना वादा किया था कि हम 100 दिन के अंदर इनकलाब ले आएंगे. असल में जब ये लोग आए तो सबसे पहले एक इनके सेनेटर, वफाकी वजीर जिसका पड़ोस में झगड़ा होता है, उसके ऊपर आईजी चेंज हो जाता है. वो आईजी चेंज हो जाता है, सबका एक्स हस्बैंड के टीपीओ चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद किया इन लोगों ने, सोशल मीडिया ने उनको छोड़ा नहीं इनको. फिर उसके बाद जब आप तर्जुमान यानी एक सूबाई पंजाब का सूबाई वजीर तर्जुमान बन जाए सीटीडी का, वो ये कहे कि सीटीडी ने यूं किया और इसका ताल्लुक दाइश से था, फलाना था, सारी उसने तफसील पेश की वजीर कानून ने. जब आप ये कहते हैं एक तरफ कि हमने जीआईटी बना दी, तो जीआईटी का तो इंतजार कर ले, आप क्यों तर्जुमान बन गए मेरे भाई? आपको किसने हक दिया है कि आप आके उनकी तरफदारी करें? आप इंतजार तो करें ना, गैर सियासी करनी है ना आपने, कि नहीं आपने सियासी रखनी है. आप पिछली, चलो अगर आप पिछली 2 बातें छोड़ देते हैं तो अब इस पे देखें कि आप, अच्छा दूसरी बात आप कहते हैं कराची में 97 में हमारी गवर्नमेंट थी, इस सिंध में वजीर आला हमारे लियाकत जोतोई साहब थे, मर्डर हुआ हकीम सईद साहब का, हमने नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट खत्म की. फिर उसके बाद फिर उसके बाद 2013 में जैसे कि इन्होंने भाई ने भी कहा कि उन सबको गिरफ्तार कर लिया है, मेरे भाई एफआईआर में तो नाम ही नहीं है किसी का, नामालूम कराची में एक अरसे
तक चलता रहा FIR, ना मालूम मार गए ना मालूम। 2013 के बाद मालूम हुआ कि किसने किया, इसमें ये 2013 के बाद आपने कल की जो FIR का एहसान करते हैं, एक मिनट हो गया ना, FIR की जो पूरी मीडिया में उन्हें, मेरे पास कॉपी नहीं है, तीन दिन से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नाज़रीन, जिक्र हली रहे हो तो कोई भी इशू होंदो आहे त उन जे लाइ GIT तशकील ॾिनी वेंदी आहे। कुझु GIT सक्सेसफुल वेंदियूं आहिनि, कुझु न वेंदियूं आहिनि। अच्छा, मॉडल टाउन सां पुराणो थियो। अच्छा मैडम, आपसे एक बात होगी, अभी थोरी देरि पहिले न्यूज़ पे दिखा रहे थे ना GIT साहिवाल के हवाले से, वो वहाँ उस इलाके में गए, जो आई विटनेस से उनसे बातें हो रही थी, जब उनको ये पता चला कि उनको जो गवाही देनी है वो पुलिस स्टेशन में देनी है, तो सारे डर गए और सारों ने मना कर दिया कि हम नहीं चलेंगे, तो ये पुलिस गर्दी नहीं हुई, ये तो दहशतगर्दी से भी ज्यादा जमरे में आ गई ना। नहीं, अब तो आई विटनेस सामने नहीं आ रहे, वो पीछे हट गए। नहीं, तो आई विटनेस जो है वो इट्स नथिंग टू डू विद पुलिस ना, वो तो सिविलियंस हैं। जी, सिविलियंस क्यों नहीं आगे आ रहे, जब आप धरने दे रहे हैं, जब आप शोर मचा रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गंदी गालियां CM पंजाब और IG पंजाब को निकाल रहे हैं, और जब आप कह रहे हैं कि इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए, ये बैठे क्यों हैं, तो आप जाके गवाही क्यों नहीं देते हैं? आप उनको why don't you bring them to justice जिन्होंने ये हरकतें की वहां तो दे रहे हैं। पुलिस स्टेशन के लिए राजी नहीं है, उसलिए डर गए। क्यों नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं मैडम, पुलिस ही लोगों को मार रही है आजकल, तो लोग कहां जा रहे हैं? बात तो ये है, मेन पॉइंट तो ये है। मेरे ख्याल से ये इतना हाईलाइट हो चुका है ये इशू सोशल मीडिया पे, कि मेरे ख्याल से कि अब कोई इसमें बचत के वाला रास्ता है नहीं। बिकॉज एक वीडियो हुई जिसमें फायरिंग करते हुए दिखाया, फिर उन बच्चों की स्टेटमेंट और इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ, तो मेरे ख्याल से ये तो लोगों की पार्ट पे वीक पार्ट है ना। अगर आप इतना घर में बैठ के शोर मचा रहे हैं और जब अपनी एक्शन का टाइम है, व्हेन यू हैव टू एक्ट समथिंग, जब आपने उन दोनों बच्चियों को और उस बच्चे को जस्टिस दिलाना है, तो आप घरों में छुप के बैठ गए हैं। तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी को कुछ अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, कुछ अपनी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शो करनी चाहिए और आगे आना चाहिए बढ़कर, अगर वो चाहते हैं कि जस्टिस हो। बिकॉज ये दोनों तरफ होता है ना, नहीं हो सकते। नहीं, आई डोंट थिंक सो आपके ख्याल में इतनी इट्स वेरी मच ओपन इन सोशल मीडिया? आई डोंट थिंक सो। और फिर उनको सिक्योरिटी भी तो GIT को प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें तो इमरान खान साहब खुद इन्वॉल्व हैं, CM इन्वॉल्व हैं, तो वाई पीपल आर स्केयर्ड? उनको तो डट के देना चाहिए, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। वैसे ये बात देयर आर लॉट ऑफ पीपल एग्री ऑन दिस, इवन कराची में धरने हो रहे हैं इस इशू को लेके, यानी कि पूरा मुल्क जो है वो इसके पीछे खड़ा है। तो आई थिंक दे शुड कम फॉरवर्ड और उनको प्रेपरेटर्स को, वैसे अगर वो लोग गवाही नहीं भी देने आए तो इतने फॉरेंसिक प्रूफ हैं कि वो लोग बचेंगे नहीं जिन्होंने ये किया है। अच्छा, वैसे पुलिस के रिफॉर्म्स कुछ कमी नजर नहीं आ रही, सिर्फ बातें होती हैं, कभी भी उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्यों ये क्यों नहीं नहीं समर, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म पे एक कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी में जो है वो चारों IGs थे और कुछ लॉ सेक्रेटरी और कुछ दूसरे सेक्रेटरीज भी थे गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, और इनकी एक पूरी टीम बनाई गई थी और पुलिस रिफॉर्म पे एक पूरा प्रपोजल जिसमें चारों IGs की कंसल्टेशन के साथ, बल्कि अभी लास्ट वीक ही तो ये इवेंट थी जिसको चेयर किया था साकिब निसार साहब ने, और उसमें IG सिंध ने जो है वो उसको पूरे पाकिस्तान पुलिस को रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने पुलिस रिफॉर्म पे बहुत सारी उसमें रिकमेंडेशंस दी थी जिसमें कुछ फ्यू मतलब पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे, उसमें जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने उसको बिल्कुल अप्रूव कर दिया था, उन्होंने कहा नाउ ही इज गॉन, ठीक है नाउ ही इज गॉन, बट अब जो आएंगे नेक्स्ट ऑफ कोर्स वो जब चीजें अप्रूव हो गई हैं, फाइनलाइज हो गई हैं, तो अब इम्प्लीमेंट भी होंगी, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट भी होंगे। और कुछ उसमें कुछ पॉइंट्स ये थे कि पुलिस को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए टूल्स चाहिए, पुलिस की ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, पुलिस एक आज़ाद इदारा है तो उसमें जो है वो उनको खुद मुख्तार इदारा है तो उनको खुद डिसीजंस लेने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें
मेरिट पे भर्तियाँ एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन, उसमें बहुत अच्छी वो एक बेस्ट प्रेजेंटेशन थी. तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पुलिस रिफॉर्म पे कोई कमेटी बनी है और उन्होंने ये प्रपोजल चारों दुआ करते हैं, दुआ करते हैं इस कमेटी में काम भी हो, अमली जामा पहनाया जाए. अच्छा अभी तो आप लोगों की हुकूमत है, तो प्लीज़ के रिफॉर्म्स जितने भी हैं और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जैसे ये कमेटी बनाई थी, तो आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे या भूल जाएंगे सारी बातें? देखें यकीनन क्योंकि विजन तो आप लोग भूल गए. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आप कह रही हैं विजन हम नहीं भूल रहे हैं. लेकिन 5 महीने में मैं आवाम भी देखें, आवाम भी देख रही है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ों में तब्दीली आई है. मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, आप इस वक्त किसी भी सरकारी इदारे में पैसों का एक बैग ले जाएँ और किसी सरकारी अफसर को दे के दिखा दें, कम से कम इतना तो प्रेशर बिल्ट हो गया तरीके इंसाफ का. हाँ, इस हुकूमत हाँ, करप्शन से लोग थोड़ा डरने लगे, इतना तो प्रेशर बिल्ट हो गया. तो ये तो आप और नून लीग वाले भी एग्री हैं इस बात पे. देखिए ये तो आप हमें इसका तो क्रेडिट देना कि इतना प्रेशर तो हमने बिल्ट कर दिया है और इसको इंशाल्लाह ताला अमली जामा भी पहनाएंगे और किसी करप्ट अफसर को, किसी करप्ट सियासतदान को, चाहे वो मैं हूँ या कोई और, इंशाल्लाह ताला अब तरीके इंसाफ की हुकूमत है. आगे थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा हौसला रखें, अपोजिशन भी हौसला रखें और थोड़ा सा आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र और हौसला रखें. इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये वाकई एक हकीकत में एक नया पाकिस्तान महसूस होगा. जिस तरह केपीके में, आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ केपीके की, केपीके में जब शुरू में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त आपके लोग जब इंटरव्यू लेने जाते थे लोगों का, तो 100 में 50 लोग हमें बुरा भला कह रहे होते थे और 50 लोग तारीफ कर रहे होते थे. वो इंटरव्यूज आपने 2 साल के बाद लिए तो उसमें 10 लोगों के इंटरव्यू लेते थे तो 10 में से 7 लोग तारीफ़ कर रहे होते थे और 3 लोग बुराई कर रहे होते थे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद जब लोगों ने महसूस किया, मेरी बात कंप्लीट करने देना, जब लोगों ने महसूस किया, जब लोगों ने महसूस किया 5 साल के बाद कि वाकई तब्दीली आ गई केपीके में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज केपीके में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है. तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये हेल्थ कार्ड है पूरे पाकिस्तान में हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. बहुत अभी लॉ एनफोर्समेंट को आप स्ट्रॉन्ग बना दें और रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो होना चाहिए. आज का वजीर आजम का बयान है जो आज उन्होंने मैंने जो बयान पढ़ा है और उन्होंने ये कहा है कि जी हम उनका कतरी दौरा है 2 दिन का, वो कतर से जरा होके आ जाएं. अच्छा कतरी दौरे पर पता नहीं मेरे भाई नून लीग वाले शायद चौंकते होंगे, तो कतरी कतर से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है इन लोगों का. अच्छा अच्छा वो कतरी की बात कर रहे हैं. अच्छा रियाज साहब से भी बात, ठीक है आपकी तरफ. अच्छा रियाज साहब अब जैसे साकिब निसार की बात हो रही है चीफ जस्टिस साहब की, अभी तो वो हमारे पास नहीं रहे ठीक है, पर वो कह रहे थे कि चले अगर रिटायरमेंट भी होती है डैम्स के हवाले से भी मैं एक्टिव रहूँगा और हॉस्पिटल्स की भी कुछ बातें हो रही थी. मियाँ साकिब निसार की अगर बात करें तो उनसे नून लीग को थोड़ी सी नाराज़गियाँ तो थी, अब क्या लगता है कि जुडिशरी से आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे? देखें जी, पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई वाले भाई से कि तब्दीली थोड़ा रवैया में भी लें और इंतज़ार करें कि जैसे मैंने आपका पूरा इंटरव्यू सुना तो आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा. नौजवान नस्ल है ना, क्या करें, बस यही मसला तो है. नहीं, ये तब्दीली की बात कर रहा हूँ जी. असल में पुलिस रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात हो रही है, मैं आपको बताऊँ कि इनकी वज़ीर आज़म साहब जो थे उन्होंने असद दुरानी साहब को पंजाब ट्रांसफ़र करवाया जी. जिन्होंने वहाँ इन बकौल इनके के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को ऐसा कर दिया जिसे कहते हैं, वो साहब आए. जब इन्होंने इनके गुलजार साहब की हरकतें देखी उन्होंने, जब इनके आईजी का ट्रांसफ़र देखा, जब इनके टीपीओ जैसे अहदे पर भी असर अंदाज देखा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे के वापस चले गए. ठीक है, असद दुरानी साहब, असद दुरानी साहब ने वजह बताई, मैंने थोड़ी सी गुजारिश की. मेरा सवाल है सिर्फ, हाँ बस, वो कोई भी सरकारी अफसर अब बाद में डिफेंड कर लीजिएगा, हाँ वजह नहीं बताता, वो जाती वजूहात बताते हैं, भले वो कोई मिनिस्टर क्यों ना, वो भी जाती इस बात को मानते हैं ना कि वो जाती वजूहात बताते हैं, क्योंकि आपके तो दौरे हुकूमत में भी बहुत सारी चीजें हुई. दूसरी बात ये जो इन्होंने भाई ने कहा कतरी के दौरे पे, देखा जी हम तो ये नहीं कहते, हम तो आपको कहते हैं कि आप दौरे करें और जो पिछले दौरे करते थे दूसरे हुक्मरान उनको भी जो आप बुरा भला कहते थे उस पर सॉरी कर लें. आपने 5 माह के अंदर जितने दौरे किए शायद उन्होंने 5 साल में नहीं किए. अच्छा मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये, अब आ जाएं साकिब निसार साहब की बात है. साकिब निसार साहब ने जो किया वो एक बहुत ख़त्म हो गया, वो एक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम थी. हमने आप बताएं, हम हमारे कायद अपनी बेटी के साथ पेश हुए,
हमारे कायद अपनी बेटी के साथ जेल भी गए, हमारे कायद क्या फर्क पड़ता है, वो पाकिस्तानी थी, फेस करना था केसेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि हमने अदलिया को फेस किया, हमने एहतराम किया, हमने सीट भी छोड़ी वजीर आजम की, हम बच्ची को साथ लेके हमारे कायद जेल भी गए। इनकी बात करें जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं, क्या वो बुरा मना रहे हैं? वो कह रहे हैं तौहीन है वज़ीर आज़म की, इनके वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि नैब उनको बुला रहा है, ठीक है, वज़ीर आज़म के खिलाफ केस क्यों बनाया उन्हें, थोड़ी सा गुजारिश है वो क्यों बनाया ये शूप भाई मीडिया पे बोला है, और वज़ीर इत्तलात ने मीडिया पे बोला, मैं आपको दिखा दूंगा, आपने नहीं देखा, आपने शायद नहीं, वो बोला है पर उसका जो, ठीक है, सुने, आप रंग कोई दूसरा दे रहे हैं, वो दूसरा वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म कोई तौहीन है ये कि उसे 17 लाख के या हेलीकॉप्टर के उसमें बुलाया जाता है, तौहीन है, ये भी वज़ीर आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी भी वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म थे। अदलिया अदालत की जहाँ आपने अभी बात की ना, मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की हम तो पेश हुए, जीआईटी के भी आगे पेश हुए, हमने एहतराम किया, हम कानून का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जैसे अभी मुझे पता लगा कि मुझे इल्म नहीं था कि कोरंगी कराची में भी ये हुआ है, ठीक है ना, मियाँ बीवी अलाक हुई। अच्छा, अब आप कहते हैं कि वहाँ लोग गवाही देने नहीं जा रहे पंजाब में, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट खड़ी हो जाए पुलिस के साथ, खड़ी हो जाए पुलिस के साथ, वजीर कानून कहे कि यो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर करे, वजीर आला खुद उस पर बात करे, तो आप मुझे बताएं कि फिर कौन जाके खड़ा हूं। आपको तो मीडिया ने बता दिया, आपको उन्होंने वो क्लिप दे दिए, आपको एक एक चीज दिखा दी। मैं समझता हूँ मैडम ने अभी जो बात की कि जो प्रूफ दे दिया, आवाम ने दिया ना, ये किसी पुलिस वाले ने तो नहीं बनाया, किसी गवर्नमेंट वाले ने बनाया। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नाज़रीन, असांजो शो हली रहे हुआ है, असा मुर्तज़ा वहाब जी गाल कयूं। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारी बातें चलें हमें समझ में आ गई ना, मीडिया वालों को भी जो प्रेस रिपोर्टर वहाँ थे, पर एक बात पे लोग सारे परेशान हो गए। वो चाह रहे थे, ये जो कहते हैं ना कि पुलिस के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या पुलिस को आज़ाद करना चाहिए, इन बातों से शायद वो अनसेटिस्फाई लग रहे थे ना, वो कहते नहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और उनकी बातों से ये लग रहा था कि मतलब सियासतदानों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये बात समझ से बाहर हुई, क्योंकि आप तो ज़ाहिर ह्यूमन राइट्स में भी हैं और पुलिस वालों के साथ भी ट्रेनिंग में टच में रहती हैं, तो मैडम इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये क्या सिंध गवर्नमेंट कहना चाहती है? मेरे ख्याल से पुलिस एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके ऊपर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस पॉलिटिशियंस का तो नहीं होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप्स का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आईजी सिंध है ही इज़ द कमांडर ऑफ द फोर्स और वो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हैं, CSS का एग्ज़ाम देकर आते हैं, इतने सारी पोस्ट्स पे होते हुए आते हैं, आईजी बनते हैं, तो व्हाई डू दे टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिशियंस? एग्जैक्टली, वो क्यों लेंगे? और जुल्म की इंतहा देखिए कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स इतने पढ़ लिख कर आते हैं, उनको कैसे कैसे पॉलिटिशियंस के आगे जी हजूरी करनी पड़ती है। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन आप ज़रा हिस्ट्री पूरी उठा के सिंध गवर्नमेंट की देख लीजिए, पॉलिटिशियंस की आप प्रोफाइल्स भी चेक कर लीजिए, मिनिस्टर्स का भी देख लीजिए, तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस किस तरह के लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स बनते हैं और किस तरह से पुलिस के जो मोरल को जो है वो डाउन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से पुलिस सबसे पहले पुलिस के ऊपर से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हटेगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। अभी दो साल पहले की ले लीजिए, जो इनसे पहले आईजी थे, जो दो साल तक रहे एडी ख्वाजा साहब, आपको पता है उनको भी फोर्स लीव पे भेजा जा रहा था और इशू उनसे तो सिंध गवर्नमेंट बहुत परेशान रही, इसलिए कि इशू था ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, जरा सी बात थी, और एडी साहब मेरिट पे लोगों को लाना चाहते थे, ये बात थी, और फिर सिविल सोसाइटी ने, शहरी एनजीओ ने, शहजाद रॉय के एनजीओ ने, पायलट ने पिटीशन फाइल की कोर्ट में कि सिंध गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, और उनको एडी ख्वाजा को सिविल सोसाइटी की वजह से स्टे मिला, ना सिर्फ स्टे मिला बल्कि हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम पावर्स जो है वो आईजी के पास रहेंगी। तो अब ये जो कानून बदलने की बात हो रही है ना, तो ये सारी चीजें ये पुलिस को पावरलेस करने की बात हो रही है, जो मेरे ख्याल से किसी तरह से
اپروپریٹ نہیں ہے. بالکل صحیح اندازہ لگا کیونکہ میڈیا اور پریس والے بھی وہاں پہ یہی باتیں کر رہے تھے. سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مرتضیٰ آپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی, ایک تو پیپلز پارٹی کے منہ سے پولیس ریفارمز کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہمیں, بالکل نہیں. وہ چیک اینڈ بیلنس, سیاسی چیک اینڈ بیلنس, جہاں تک چیک اینڈ بیلنس کا, اچھا میں پولیس ریفارمز پہ کوئی مطلب اتنا ایکسپرٹ آدمی تو نہیں ہوں کہ اس پہ گفتگو کر سکوں زیادہ, کیونکہ مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں پولیس ہے, جس کو گلو بٹوں کی پولیس بنایا ہوا تھا نون لیگ نے, یا جو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے, انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کا ہر سپاہی اور ہر آئی جی جیالہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی ریفارم آنا چاہیے یقیناً, کہ سب سے پہلے تو یہ جو سیاسی مداخلت ہے پولیس کے اندر وہ ختم کی جائے, کیونکہ ہمارا نعرہ ہے کہ پولیس ملک میں جو ہے وہ غیر سیاسی ہونی چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ ملک میں پولیس غیر سیاسی. جب پولیس غیر سیاسی ہوگی, سیاسی دباؤ نہیں ہوگا, تو عوام کو انصاف ملے گا, عوام کے ساتھ انصاف ہوگا, عوام کو اس طرح سے روڈوں پر گولیاں نہیں ماری جائیں گی. جب اور دوسرا چیک اینڈ بیلنس میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نچلی سطح سے لے کے اوپر تک ہونا چاہیے پولیس کا, تاکہ ایک ایک سپاہی کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ اگر میں کوئی بھی غلط کام کروں گا یا کوئی رشوت لوں گا یا کسی کو اوپر فائر کروں گا تو میں بچوں گا نہیں. جبکہ اس وقت جو پولیس موجود ہے ہماری, میرا خیال ہے ان کو کوئی خوف نہیں. مثال آپ کو رات کورنگی والے واقعے کی مثال دیکھ لیں, اس سے کیا ہوا, حادثہ ہو گیا. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جی ان کو پرواہ نہیں ہے, پولیس کو پرواہ نہیں کہ گولی سے جو ہے وہ کوئی مرتا ہے مرے, یہ بھی نہیں پتا. انہوں نے روکا نہیں, جبکہ ابھی میری بہن ابھی مجھے بتا رہی ہے کہ جی وہ پولیس کو آرڈر ہی نہیں ہے فائر کرنے کے, صرف کاؤنٹر فائر کرنے کا آرڈر ہے پولیس کو. ٹھیک ہے, جبکہ جو شواہد ابھی تک ہمارے سامنے آئے اس میں تو کاؤنٹر فائرنگ بھی نہیں ہوئی ہے. 1894 کا اگر ہم یہ پولیس والا قانون دیکھیں گے نا, تو اس میں کچھ ایسی ٹرمز ہیں جس کے حساب سے وہ شاید فائر کر سکتے ہیں, اس کو چینجنگ کی ضرورت ہے. جیسے الزام لگایا تھا کہ ایک ٹیررسٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, سیلف ڈیفنس. ہاں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سر جی آپ کو کیا لگتا ہے ریاض صاحب کے واقعے میں, ابھی یہ جو مرتضیٰ وہاب نے باتیں کی, پولیس پہ نظر ہونی چاہیے سیاستدانوں کی, کیونکہ آپ لوگوں نے تو بہت نظر رکھی. بالکل, میں آپ کو ایک بات کروں کہ سیاستدانوں کا یہ جو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ سیاسی آدمی ہوتا ہے, وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب یہ وزارت داخلہ جو اس وقت ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئے, ٹھیک ہے, وزیر مملکت جو بھی ہے, وزیر داخلہ صاحب نہیں ہے. چیک وزارت داخلہ جو ہوتی ہے وہی چیک اینڈ بیلنس کرتی, وہی ٹرانسفر, وہی سب کچھ کرتے ہیں. اچھا یہ ہے اصل میں بات. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے کوئی فورس, جیسے کہ ماشاءاللہ ٹاسک فورس کی انہوں نے فورس ہی بنا دی ہے, ٹاسک فورس ہر چیز میں ٹاسک فورس, ایسا نہیں ہوگا. اس چیز کو بیٹھ کر جب تک آپ دیکھیں, آپ نے 5 سال تک 4 سال تک شور مچایا, میں نے ماشاءاللہ کے ساتھ آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرے بھائی تھوڑا انتظار کریں, آپ نہیں چاہیے ایسے کنٹینر سے جب تک نہیں اتریں گے, آپ کے منسٹر جب تک نہیں اتریں گے, جب تک آپ اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی نہیں کریں گے. آج 6 مہینے 5 دن میں ایک بل پاس نہیں ہو, قانون سازی نہیں ہوئی, آپ وہ چھوڑ دیں. ہم کیسے حزب اختلاف کا, حزب اختلاف کا کام نہیں ہے, دیکھیں سنیں میری بات, حزب اختلاف کا کام نہیں ہے قانون سازی کرنا, وہ گورنمنٹ اگر یہ کوئی بل لے اسمبلی میں آ کے, میڈم دیکھیں میڈم تقریریں اٹھا لیں اسمبلی میں اپنے کیس پہ, آپ سن تو لیں نا, مجھے اپنی جگہ بات کرنے دیں. جب آپ کوئی بل لے کے آئیں گے تو حزب اختلاف اگر اس پر اعتراض کرتی ہے تو پھر تو آپ کو بولنے کا کہ آپ کوئی بل ہی نہیں لے کے آتے. پہلی مرتبہ اس اسمبلی میں ہوا ہے کہ فورم پورا نہیں ہے, یہ وفاق اپنے خود گورنمنٹ کے آدمی نے اٹھ کر پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ ریکارڈ پر ہے. میں ایسی بات کون سا فورم پورا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, سنیں نا یار, آپ نے میڈیا دیکھتے نہیں, آپ کو علم نہیں. میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں رہتا ہوں. بات یہ ہے, میری سنیں, انتظار کریں, ٹھیک ہے نا, ہر روز توڑ گئی, جب بائی کاٹ پہ چلے جاتے ہیں تو کورم اس لیے تو توڑ دیتے ہیں نا, آپ نے وہ تو ان کے اوپر جاتا ہے, کورم پھر بھی پورا ہو گیا. آپ آئے نا اسمبلی میں, آپ کے وزیر اعظم صاحب آئے نا اسمبلی میں, وزیر داخلہ بن کے آ جائے, وزیر داخلہ بن کے آ جائے, جب وزیر اعظم صاحب کی ضرورت ہوتی ہے ضرور آتے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب اور اسمبلی میں ان کو اور بھی کام ہے, وزیر اعظم کے بعد پورا ملک چلا. اچھا اچھا مس فوزیا, جیسے ٹائم بھی وہ کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں آپ صرف خرابی یہ کہ آپ ان میں صرف یہی ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے, یہ چور ڈاکو کہتے رہیں گے اور اسی میں یہ خود واپس چلے جائیں گے. ثابت کر دیا آپ کو چور ہوں گے, پولیس نے ثابت کیا نون لیگ کو چور, عوام بھی. آپ پشاور خیبر پختونخوا میں 200
33 अफसर होने चाहिए, इस वक्त 73 काम कर रहे हैं, बाकी सब के सब छोड़ के जा चुके हैं। आप रिकॉर्ड पे देख लें, आपको इल्म ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैडम फौजी, जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है, आपसे मैं ये पूछूंगी कि ये जो पुलिस के रिफॉर्म से चले उस पर बात हो रही है, स्टेप भी लिया जा रहा है और बातें भी हो रही हैं, पर अगर ह्यूमन राइट्स की हम बात करें कि वाकई में कोई इंसान अपनी मर्जी से पाकिस्तान में ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार पाता, क्योंकि सबके साथ ये मसले हैं, कोई भी हो, कोई भी हो, यहाँ पे शीमेल हो या एक्स वाई जेड, कोई भी हो, किसी को अपनी लाइफ गुजारने की आज़ादी नहीं है, क्यों? देखिए समर, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये तो पैदा होते ही आपके साथ होते हैं, और अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का काम होता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना जी, और उनको इम्प्लीमेंट करना उसके मुताबिक जो लॉज हैं। अब जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है वो पुलिस तो नहीं करती है ना, वो लोग ही एक दूसरे की कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने किसी का रेप किया है या किसी ने किसी का मर्डर किया है तो दैट पीपल आर डूइंग विद ईच अदर, तो बल्कि उसमें तो पुलिस आके बचाती है, वरना आप सोचें कि अगर किसी ने किसी बच्ची का रेप किया है तो क्या वो उसको छोड़ेगा जिंदा? तो बीच में लॉ इन्फोर्समेंट आ जाती है ना, वो कहते हैं कानून को आप अपने हाथ में मत लीजिए, आप कानून जो है वो इसका करेगा, और वहाँ पर पुलिस का जो मेन काम है जी इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस जो है वो इस तरह से इंटरवीन करती है, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको पुलिस अप्रिशिएट भी करती है, उनको तो नहीं बॉदर करती, लेकिन जो लॉ ब्रेकर्स हैं तो वो तो फिर पुलिस का काम है, जो लॉ ब्रेकर्स होंगे उसके खिलाफ तो पुलिस ने एक्शन लेना ही है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ जो है वो चलती हैं, और ह्यूमन राइट्स जो होती है वो किसी भी कंट्री की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सारे तभी शुरू होते हैं जब ह्यूमन राइट वायलेशन होती हैं। अभी जो डिस्कशन मैं सुन रही थी तो वो क्यों है, हर कोई यही कह रहा है ना कि मुझे मेरा हक नहीं मिला, ये मेरा कानूनी हक है, और लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आपका कानूनी हक वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब आप दूसरे की राइट की वायलेशन शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं खुशी में स्टिक हिला रही हूँ सड़क पर और वो स्टिक किसी के मुँह पर लग जाती है, मेरा राइट वहाँ पर ख़त्म, एंड देन उसका राइट शुरू, क्योंकि मैंने उसके राइट की वायलेशन की है। तो अगर ये थोड़ी सी चीज़ अगर लोग अंडरस्टैंड कर लें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट शुरू करें और एक दूसरे के व्यूज़ को, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना शुरू करें और एक थोड़ा सा पेशेंस एंड टॉलरेंस अपने अंदर रखें, अब जैसे नई गवर्नमेंट आई है उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको काम करने दीजिए, बिकॉज आपने प्रीवियस गवर्नमेंट्स का तो आपने सिनेरियो देख लिया है, और अब आप सबको पता है सिंध गवर्नमेंट का क्या है, PMLN का भी लोग देख चुके हैं, अगर PTI कुछ करेगी तो ऑफकोर्स वो भी अकाउंटेबल होंगे, एटलीस्ट इनको 5 साल देने चाहिए जी, वो भी अकाउंटेबल होंगे, फिर लोगों को वोट ही नहीं देंगे। टाइम खत्म थी हुआ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं इस पे सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, खुसूसन साहिवाल वाक़े पे मैं आवाम को भी ये बताना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला, और मेरा बिलीव भी है ये तरीके इंसाफ की हुकूमत है इंशाल्लाह ताला, इस वाक़े में जो लोग भी मुलविस होंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वज़ीर आज़म की नीयत है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये नीयतों में शामिल है इंशाल्लाह ताला, कि जो भी चाहे वो किसी सरकारी इदारे में काम करता हो, चाहे वो सियासतदान हो, जो भी करप्ट होगा, जो भी क्राइम में जितने भी मतलब क्राइम में शामिल होगा, कोई भी होगा, इंशाल्लाह ताला खान साहब की हुकूमत किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको सजाओं तक पहुंचाएगी इंशाल्लाह ताला। ये आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं, एक जी। और मैं एक आपको खाली एक प्रेडिक्शन देके जा रहा हूँ, आप चाहें तो लिख लें यहाँ पे, इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को अगर मौका मिला, जो कि मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा, हम साल डेढ़ साल के बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे, मेरी बात आप लिख लें कि साल डेढ़ साल के बाद लोगों को ये महसूस होने लगेगा कि अगले 5 साल तो दूर की बात है इंशाल्लाह ताला, इमरान खान साहब जब तक ता हयात वजीर आजम होंगे इस मुल्क के। चलें सर, शॉर्टली सर, 20 सेकंड सर, महकमों पर असर उस वक्त पड़ेगा जबकि आपके इर्द गिर्द जो नैब ज्यादा लोग हैं उन्हें पेश करें, उन्हें वहां से वजारतों से हटाएं, ताकि लोगों को एतमाद हो जाए आप पर एतमाद नहीं है अभी। वेल सेड जी नाज़ जो शो इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही वरीता से गर मुलाकात थी, मुख्य नींद इजाजत, अल्लाह हाफिज़।